बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो में। और हर रोज़ की तरह आज भी आपको 7:15 में बिहार अमीन परीक्षा हेतु सेट प्रैक्टिस श्रृंखला नंबर 25 शुरू करने जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को जोड़िए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि जो है सभी लोग इस सेट प्रैक्टिस में भाग ले सके और सभी जो है एग्ज़ामों में अच्छे मार्क्स ला पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न को वन बाई वन करके, और देखते हैं क्या है आज का प्रश्न और उसका जवाब आप सभी को अपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का पहला प्रश्न है, संघ सूची आधारित है किस पे आधारित है? विदेश नीति पे है, गृह नीति पे है, आर्थिक नीति पे है और मौद्रिक नीति पे है। तो संघ सूची किस पे आधारित है ये बताना है। ठीक है, बता दूँ कि 3 से 4 सेकेंड का आपको समय मिलेगा, उसमें आपको कमेंट में बताना है आपका जवाब। तो बता दूँ कि आज पहला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विदेश नीति। संघ सूची जो है विदेश नीति की नीति पर आधारित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन कृत्रिम झील नहीं है ये बताना है। पुलिकट, हुसैन सागर, लोकटक, बेम्बनाड। तो दो क्वेश्चन नंबर दो का सही उत्तर बताना है। बता दो कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए, सही उत्तर हो जाएगा पुलिकट। ठीक है, पुलिकट इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, एलिफेंटा पास कहाँ है? एलिफेंटा पास, तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए। एलिफेंटा पास कहाँ है? श्रीलंका में है, थाईलैंड में है, भारत में है, इंडोनेशिया में। तो बता दें कि थर्ड नंबर का सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। तो एलिफेंटा पास जो है श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, प्रश्न हमारा ये था एलिफेंटा पास कहाँ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ए, श्रीलंका में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, शब्द टाई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है ये बताना है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है इसमें, टेनिस से है, फुटबॉल से है, हॉकी से है, क्रिकेट से है। तो लगभग इनमें से सभी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। शब्द टाई ब्रेकर जो है किस खेल से संबंधित है, तो लगभग सभी खेल में इस शब्द का यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं। आज का पांचवा नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो छोटा कर देते हैं। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो पाँच का सही उत्तर हो जाएगा डी, फार्मिक अम्ल। ठीक है, लाल चींटियों में जो एसिड के रूप में पाया जाता है वह फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो 5 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का छठा नंबर प्रश्न है, मोहम्मद साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था ये बताना है। मोहम्मद साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो बता दें कि ऑप्शन 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा यह वह ए हो जाएगा, छठी शताब्दी में। जी हाँ दोस्तों, छठी शताब्दी में हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। आज का सातवां प्रश्न है, झारखंड में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है यह बताना है। झारखंड जो बिहार का पड़ोसी राज्य है, जो कभी एक साथ रहा था, उसका जो है उसमें अधिक खनिज कौन सा पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, अब्रक पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है। ठीक है, बता दूँ कि आप जो है टेलीग्राम पर भी आप क्विज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर तो आपके लिए जो है ग्रुप बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। बता दूं कि डेली हर रात 10:15 पे, ठीक है, 10 प्रश्न, लगभग 10 प्रश्न जीएस के आ जाते हैं और आज हिंदी के प्रश्न आने वाले हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए 7 का सही उत्तर बता दीजिए। तो बता दें कि जो खनिज झारखंड में पाया जाता है अधिक मात्रा में, उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अबरक। ठीक है, अबरक। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न है, नरसिंह अवतार से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली। तो 8 का सही उत्तर है, बता दूं कि आपको 4 सेकेंड का समय दिया जाता है। तो बता दूं कि इसमें से सही उत्तर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, विष्णु। तो नरसिंह अवतार से कौन संबंधित है? तो विष्णु। ठीक है, बता दूं कि अगर यह सेट किसी भी तरह से आपको आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।
ठीक है, किसी भी तरह का फीडबैक देना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, और टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ भी जुड़ जाए। हर रोज़ आपको वहाँ पे क्विज कराया जा रहा है, हिंदी भी, आज हिंदी का क्विज होने वाला है और GS का भी क्विज होता है, ठीक है, और वहाँ पर मैथ का भी प्रश्न आएगा, तो जुड़ना ना भूलें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 9 नंबर प्रश्न है, लेक्सिकोग्राफी क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं, शब्द को संरचना की कला है, फूल सजाने की कला है, प्रकृति चित्रण की कला है, पुस्तक सजाने की कला है। तो बता दें कि 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह शब्द को संरचना की कला है। तो लेक्सिकोग्राफी क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, शब्दकोश रचना की कला है। अगले प्रश्न को चलते हैं। आज का 10वां नंबर प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, यह बताना है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के, कृष्णा नदी के, मूसी नदी के, तुंगभद्रा नदी के। तो 10वां का सही उत्तर हो जाएगा सी, मूसी। ठीक है, मूसी नदी के किनारे यह जो है हैदराबाद स्थित है। अगले प्रश्न को चलते हैं। तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है, यह बताना है। विष्णु को, शिव को, कृष्ण को, इंद्र भगवान को। तो 11 का जो है सही उत्तर हो जाएगा, बता दूँ 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी शिव को, तमिलनाडु में जो स्थित नटराज की मूर्ति है वह शिव भगवान को समर्पित है। अगले प्रश्न को चलते हैं। आज का 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्नलिखित में से कहाँ अपील की जा सकती है? मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो निम्नलिखित में से कहाँ अपील किया जा सकता है? उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में, किसी न्यायालय में? तो बता दूं कि 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि इसका सभी ने सही जवाब, सभी के द्वारा सही जवाब दिया जाएगा। तो बता दूं कि 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह उच्च या सर्वोच्च न्यायालय, कहीं भी अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कहीं भी उच्च या सर्वोच्च न्यायालय, कहीं भी आप जो है अपील कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 12 का। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, यह बताना है। ठीक है, मिजोरम की राजधानी कहाँ है, बता दूँ कि आइजोल है। ठीक है, इसके बारे में सबको पता होगा। 30 नंबर हो गया प्रश्न, 40 नंबर में चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, मेंढक में निम्नलिखित में से किस प्रकार की निषेचन होता है? बाह्य निषेचन होता है, अंतः निषेचन, अंतः एवं बाह्य दोनों प्रकार का, या सुदूर होता है? तो बता दूँ कि 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह बता दूँ कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाह्य मेंढक में जो निषेचन होता है वह बाह्य निषेचन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। ठीक है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, क्यों? इसका कारण बताना है। ठीक है, ऊंट जो है कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, इसका आपको सही उत्तर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, तो उसे पानी की जरूरत नहीं होती है, वसा ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है, ऑप्शन सी है उसके जठर के लिए ल्यूमेन की भीतियों को जलकोश होता है, और ऑप्शन डी है शारीरिक सक्रियता से वह पानी की कमी को दूर कर लेता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर 4 ऑप्शन में से सही जवाब को बताना है क्या हो जाएगा। तो बता दो कि 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, उसके जठर के लिए ल्यूमेन की भीतियों में जलकोश होता है। तो जो 15 नंबर प्रश्न था उसका सही उत्तर सी हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं। ऊंट मरुस्थल का जानवर है जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है, इसका मुख्य कारण यही है, ऑप्शन सी, उसके जठर के लिए ल्यूमेन की भीतियों में जलकोश होता है। तो 15 का सही। आज का जो है QTD प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। एक मार्ग किस उत्पाद पर दिया जाता है? ठीक है, एक मार्ग किस उत्पाद पर दिया जाता है, इसका सही उत्तर बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, किसी भी तरह का फीडबैक चाहिए, किसी भी तरह का समस्या आ रहा है ज़रूर बताएं, कोशिश करेंगे समाधान करने का। चलिए अब कल के प्रश्न को देखते हैं, कल के QTD प्रश्न को देखते हैं। तो आज का जो QTD प्रश्न है वह बेटन कप किस खेल से संबंधित है, यह बताना है। ठीक है, तो बेटन कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, हॉकी खेल संबंधित हो जाएगा, बेटन कप जो है हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल देखते हैं।
ठीक है, कल के सेट प्रैक्टिस में मिलते हैं। और आज रात में 10:15 में आपको मिलना है टेलीग्राम पे, जहाँ पे आपको हिंदी का 10 प्रश्न का क्यूज कराया जाएगा, और हर रोज़ कराया जा रहा है वहाँ पे, इसलिए जुड़ना ना भूलें। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।